हेलो एवरीवन दोस्तों, आज अपने पास है रेंज रोवर की इवो। ये है भाई काफ़ी प्रीमियम अलॉय व्हील देखो इसके, और ये गाड़ी लगती है एकदम परियों की तरह। एक बार दिखाएं तुम्हें बाहर का पूरा व्यू, पीछे से भी दिखाते हैं भाई क्या गाड़ी है। ये रेंज रोवर का लोगो जो दिल को छू लेता है, और गाड़ी है इवो मॉडल। अब बात करते हैं इसके अंदर की, तो दोस्तों गेट खोलते ही आता है सबसे पहले सामने डैशबोर्ड की फिनिशिंग। ये जो हैंडल है इसका, ये भाई स्टील में दे रखा है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। और ये स्पीकर एक, और भी काफ़ी स्पेस दे रखा है भाई दरवाजे में। अब अंदर की बात करें तो सबसे पहले भाई ये गाड़ी 5 सीटर है, काफ़ी लग्जरी है दोस्तों। और गाड़ियों के मुकाबले मतलब इसने भी एक अलग ही पहचान बना रखी है अपनी मार्केट में। और सबसे पहले अब अपन बात करते हैं गाड़ी के बारे में, तो ये आ जाती है अपने ड्राइवर सीट, और सामने 2 AC के वेंट जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। और ये एक स्पीकर यहाँ दे रखा है, और ये बाकी डैशबोर्ड फिनिशिंग की तरह है। सीट इसकी भाई प्योर लेदर आती है, काफ़ी क्वालिटी वाली आती है। और दोस्तों सीट बेल्ट्स तो ये है ही, इनको हटाते हैं, एक चीज़ और दिखाते हैं तुम्हें। ये आ जाता है कप होल्डर, जो मतलब बहुत ही अच्छा है भाई। यहाँ ग्लास व्लास रख सकते हैं ड्रिंक व्रिंक के। और सामने से अब गाड़ी का व्यू दिखाएं तुम्हें एक बार, कैसा लग रहा है तुम बताओ, तुमको कैसी लग रही है। और इन गाड़ियों में दोस्तों क्लच बिल्कुल भी नहीं आती, ये गाड़ियाँ ऑटोमेटिक है। जो व्यू आता है ना भाई गाड़ी में पीछे देखने का भी अलग सा है। चलते हैं इसके आगे की तरफ का बताएं तुम्हें, उससे पहले ये देख लो एयरबैग यहाँ एक, और एक इस साइड दे रखा है, और इसी के पास में है ये लाइट जो बहुत गजब है। अब चलो अगले वाले दरवाजे में, चलते हैं आगे दोस्तों। ये आ गया ड्राइवर साइड गेट, ये आ गई लॉक अनलॉक करने के गाड़ी की, और ये जो दोनों गिलास एडजस्ट करने की। और दूसरी चीज़ अब मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो पीछे जो बटन दे रखे हैं पावर विंडो, और इनसे सब भाई ये सब लॉक हो जाते हैं फंक्शन चीज़ वगैरह। और ये सीट मेमोरी सेवर आ जाता है, मतलब एक बार सेव करके रख सकते हो आप, फिर उस हिसाब से टेप करके एडजस्ट कर सकते हो। और एक स्पीकर यहाँ दे रखा है दोस्तों, और एक यहाँ है, और एक ट्यूटर दे रखा है यहाँ ऊपर, जो भाई इस पूरी गाड़ी में 6-7 ऐसे दे रखे हैं स्पीकर। मतलब म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करती है कंपनी। और ये जो सबसे पहले फिनिशिंग देख लो डैशबोर्ड की, जो भाई लग्जरी फील होता है इन गाड़ियों में बैठ के। और अब बात करें तो इसके मीटर की, जैसे दोस्तों आधी स्क्रीन ऐसे मीटर टाइप दे रखी है, और आधी आती है मतलब डिजिटल डिस्प्ले जो ऑन होने के बाद ही आपको दिखाएगी, ऐसे तुम देख सकते हो। और इसके बगल में है जो एसी वेंट। और इसकी मैं बात करूं दोस्तों, ये जो फिनिशिंग दे रखा है ना इसके पास में, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो स्टील फिनिशिंग है ना, ये दोस्तों पूरी गाड़ी में बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रही है, चारों तरफ दे रखी है ये गाड़ी। और अब बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो दोस्तों स्टीयरिंग तो काफ़ी प्रीमियम है ही, और पकड़ने में भी ऐसे मतलब अच्छा लगता है, हैवी है थोड़ी। और अब बात करें इसके मतलब ये जो क्रूज कंट्रोल आ ही जाते हैं अपने वाइपर वगैरह, और पीछे के वाइपर भी भाई शीशे से। इसकी गियर शिफ्टिंग के बारे में, जो कि है ऑटोमेटिक भाई, नॉर्मल गाड़ियों की तरह इनमें ऐसे लीवर नहीं आते एडजस्ट करने वाले, तो ये क्या अलग आता है भाई। इसके लिए मैं तुम्हें बता दूँ इसके बारे में थोड़ा सी, ये जो स्पोर्ट मोड है, ये जो भाई कंट्रोल होता है स्टीयरिंग से, मतलब ये माइनस रहा और इस साइड में है प्लस यहाँ से मतलब। और अब बात करते हैं इसके क्लच के बारे में, तो दोस्तों इसमें क्लच है ही नहीं, एक आता है एक्सीलेटर, एक आता है ब्रेक, तीसरा क्लच तुम्हें कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इन गाड़ी में प्रीमियम है ये सब देते ही नहीं। और अब बात करें इसके स्पेस की, तो भाई स्पेस ये देखो, एक डिक्की तो यहाँ अंदर दे देते हैं गाड़ी की, मतलब डैशबोर्ड में ये जो पड़ी है डायरियाँ वायरियाँ गाड़ी की, फिर भी खूब है स्पेस। और एक ये कप होल्डर यहाँ दे रखा है, और इसकी चाबी मैं तुम्हें दिखाऊं दोस्तों, जो कि है काफ़ी प्रीमियम भाई, लग्जरी लग रही है दोस्तों मेरे को ये चाबी, तुम्हें कैसी लग रही है तुम ये बताओ।
और दो चाबियां कंपनी देती है लैंड रोवर के लोगो के साथ। एक बार इसको बंद करने दो दोस्तों, फिर तो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो सिल्वर फिनिशिंग में ये लोगो दिख रहा है तुमको, देखो मैं एक सेकंड, एक सेकंड, ये लोगो ये दिख रहा है दोस्तों। ये जो अजीब, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना पूरी गाड़ी में, दिल को छू लिया दोस्तों इसने। कंपनी पैसा खर्च करती है, और स्पेस की बात करें ये तो दोस्तों यहाँ और भी है, जो दो चार्जर पोर्टेबल दे रखा है, एक आईफोन एक नॉर्मल फ़ोन के लिए। और ये जो फिनिशिंग लाइन दिखती है तुम्हें सिल्वर में भाई, मतलब क्या ही बात करूँ इसकी, तो यार ये प्लेस आ रहा। और स्पेस ये देखो यहाँ भी दे रखा है पेपर वगैरह रखने के लिए। और एक बार ये देखो तुम, पूरी स्टेयरिंग पे सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है, ये रेंज रोवर के लोगो में भी दे रखी है भाई, जो मतलब दिल को ऐसा लगता है ना मस्त सी। और ये इसका सनरूफ यहाँ से आ ही जाता है दोस्तों, जो नॉर्मली सभी गाड़ियों में ऐसा ही दे रखा है। और एक स्क्रीन LED यहाँ भी है जो पीछे का व्यू दिखाती है ऑन कैमरा भाई। ये अभी बंद है, स्टार्ट करते हैं तब चालू हो जाता है। और सनरूफ भाई ये ओपन वाला है नहीं, ऐसे ग्लास वाला है, इसको हटाए ना, मतलब रात के मौसम का मज़ा तो भाई इसी गाड़ी में आ सकता है दोस्तों, पूरा खुल जाता है, ऐसा लगता है जैसे अपने रूम में बैठे हूँ। और दोस्तों एक बार फिनिशिंग की बात करें पूरी गाड़ी की, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है यहाँ से दोस्तों, क्या ही चीज़ है यार ये गाड़ी भाई, इसने तो दिल छू लिया आज। तो भाई आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अब।